हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। सो मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 12 क्वेश्चंस में मैं कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा एंड ऑफ कोर्स स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं आप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, If he asked me, I would have given him money. मैं ब्रीफली क्विकली आपको बता देता हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। तीन टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट आपको एक रफ आइडिया दे दूँगा। पहला और दूसरा, जो फर्स्ट कंडीशनल और सेकेंड कंडीशनल है, ये दोनों प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं या फिर नियर फ्यूचर के लिए। जो तीसरा वाला है ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक, फर्स्ट वाला यूज होता है जो रियल सिचुएशंस होती हैं, यानी रियल मींस पॉसिबल सिचुएशंस। सेकंड वाला इम्पॉसिबल सिचुएशंस पे या इमेजिनरी या नॉन रियल सिचुएशंस पे बेस्ड है। और तीसरा वाला जस्ट पास्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले की, तो उसमें रूल ये है कि इफ के साथ में यूजुअली प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा, यूजुअली फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद दूसरा वाले हिस्से में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जब हम सेकंड कंडीशनल की बात करेंगे, यानी उसमें इमेजिनरी सिचुएशन होगी कि इफ आई हैड विंग्स या इफ आई यू नो इफ आई हैड अ बिलियन डॉलर, इसमें ऐसी सिचुएशन होती है जो हम इमेजिन करते हैं और इम्पॉसिबल टाइप की या नॉन रियल सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, इसमें इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी इसमें पास्ट सिंपल का यूज होता है और सेकंड पार्ट में वुड और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो इसमें पास्ट की यूज होती है। ठीक है, कि इफ आई हैड हेल्प्ड यू, यू वुड हैव डन दिस, यानी इसमें इफ के साथ हैड का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें वुड हैव होगा और इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें और इन क्वेश्चंस में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है, इफ़ ही आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन हिम मनी। तो मैं आपको मैं बता चुका हूँ कि ये पास्ट है, तो इफ़ ही हैड होना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए इफ़ ही हैड। ओके, If he had asked me, I would have given him money. Second, if he will work hard, he will surely pass the exam. If के साथ कभी भी ना will का इस्तेमाल होता है ना would का होता है, तो यहाँ पे will गलत है। ध्यान रखना, if के साथ ना will का प्रयोग होगा ना would का प्रयोग होता है। ठीक है ना, if वाले हिस्से में ये रूल लिखते जाइए आप जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा, unless I do not, unless या until जब भी होगा उसके साथ में not का प्रयोग कभी नहीं होगा, तो सिंपली होगा अनलेस आई सी हिज टिकट। ठीक है, तो इसमें नॉट गलत है। फोर्थ, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। इफ के, ये देखो, इफ आई वॉज यू, ये एक सब्जंक्टिव सेंटेंस है, तो जब भी इस तरह से होता है इफ आई वॉज कभी नहीं होता है, इसमें इफ आई वर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफ आई वर याद रखना, इफ आई वर, ठीक है ना, याद रखना, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, तो यहाँ पे वर आएगा। पांचवा देखो, सपोज इफ यू डू नॉट रीच, तो यहाँ पे गलती ये है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वालों को। सपोज इफ यू डू नॉट, तो सपोज और इफ दोनों का मतलब लगभग सेम सेम होता है, सबको सपोज के साथ इफ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, सपोज यू डू नॉट रीच ही होगा सीधे से। छठा देखो, If I were the Prime Minister of India, I will work for the welfare of poor. तो if I were, ये imaginary situation है, तो will नहीं होगा, इसमें would आएगा। So if I were the Prime Minister, I would. Okay, ध्यान रखना, मैंने कहा था imaginary में would आता है। Okay, अच्छा, यहाँ पे देखिए, If she would have worked hard, she would have passed. तो देखो अगेन ये गलत है, यहाँ पे इफ के साथ में वुड नहीं आता है, तो इफ सिंपली यहाँ पे इफ शी हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट,
Had I realized your house was such a way, such a long way off, I would have taken, I would take taxi. देखो मेरे मुँह से ही would have taken निकला, यानी यहाँ पे I would take गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था I would have taken. ओके अच्छा. टेंथ है इफ यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू कैन स्केल सॉरी नाइन्थ तो ये है आई विल मीट हिम वैन ही विल कम. तो देखो यहाँ पे ठीक से समझो वैन के साथ में विल का प्रयोग नहीं होगा. सो ये सिंपली होगा आई विल मीट हिम वैन ही कम्स. ओके यू देखो वैन के साथ ऐसा नहीं कि कभी इस्तेमाल नहीं होता है विल. नॉर्मली बोलते हैं कि वैन विल यू कम टू द पार्टी बट ये कंडीशनल है. कंडीशनल में वैन के साथ में विल का प्रयोग नहीं होगा. ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वेयर. तो यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है इसके साथ भी विल का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ इफ के साथ में वैन प्रोवाइडेड इन केस और इसके साथ साथ बिफोर इन सब के साथ में विल का प्रयोग नहीं होगा. ये ध्यान रखना इन सब के साथ विल नहीं आएगा. ओके इसी इसका मतलब जो 11th है उसमें विल गलत है. सो बिफोर द पुलिस विल कम ये गलत है. बिफोर द पुलिस कम्स होना चाहिए था. ठीक है ना यू शुड गेट द एंटीसिपेटरी बेल. तो यहाँ पे विल गलत है. एंड द लास्ट वन यू विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड. तो यहाँ पे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड होना चाहिए. ऑलराइट सो ये 12 क्वेश्चन थे और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझा इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस किए और जल्दी से मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा स्पॉटिंग एरर का किसी और टॉपिक पे. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स. I'll see you in the next video. Take care.